गाइस, हमें यहाँ कंपास के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। मुझे लगता है हमें उनके बारे में और भी पता चलेगा, उनका इस्तेमाल करेंगे और नोट्स बनाएंगे और उसके बाद रिजल्ट डिस्कस करेंगे। सबसे अच्छा स्लोगन लिखने वाले को हमारे प्रोजेक्ट का हेड बनाया जाएगा। तो सब लोग दिल लगा के काम करिए, अच्छे स्लोगन्स लिखिए और मैं वादा करता हूँ कि मैं अच्छे स्लोगन वाले को अच्छा बोनस भी दूंगा। सुपर्ब। साथ में काम करने का मौका, ये मौका मेरे लिए काफी अच्छा साबित हो। हाँ, पर अभी ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तुम आजकल ठीक से फोकस नहीं कर रही। जाहिर सी बात है, तुम ठीक कह रही। मैं हमेशा ठीक बोलती हूँ। ये बहुत मजबूत है, लेकिन क्यों? बहुत नींद आ रही है। क्यों? जी जी। अरे आयहान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे यार सनम, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम कंज्यूमर्स के लिए एक ब्रीफ और अट्रैक्टिव स्लोगन लिख सकती हो। अगर तुम ध्यान दोगी तो तुम कुछ भी कर सकती हो। तो चलो, टाइम वेस्ट मत करो। मुझे लगता है मैं कर लूंगी। मुझे ये आउटडोर कैंपेन बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ऐसा ठीक है। अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। मैं यहीं आसपास ही रहूंगा। अरे नहीं, प्रोडक्ट बहुत सिंपल है और थीम भी काफी आसान है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। वेरी गुड, तो अपनी टीम को ज्वाइन कर लो। जाओ और अपना टेंट। हाँ, शुरू करती हूँ। हमें अच्छी शुरुआत करनी है। ओके ठीक है। ए गामसे, गुड मॉर्निंग गामसे। गुड मॉर्निंग। ये यहाँ क्या कर रही है मिस डेरन? मुझे लगता है हमने अभी एक ही बात बोली। हाँ एग्जैक्टली। चलो अब दौड़ो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस गामसे, ये तो आपने हमें बहुत अच्छा सरप्राइज दिया। मैं चाह रही थी कि जब आप मेरे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें तो मैं आपको होस्ट करूँ ताकि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकूं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात सोची आपने। चलिए मैं आपको अपनी टीम के पास ले चलती हूँ। मेरा सामान गाड़ी में रखा है, मैं लेकर आ जाऊं? नहीं अभी रहने दो। ओके आती हूँ। एक्सक्यूज मी, अभी आ रही हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि ये भी यहाँ आने वाली है? मैंने उसे कल कॉल करके कहा था। फोन पर? हाँ। कुछ कहा तुमने? नहीं, मैंने कुछ भी तो नहीं कहा। हम यहाँ कैंपेन पर काम करने आए हैं और उनकी कंपनी से भी कोई आया है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई परेशानी होगी, पर दूसरी कंपनी को ये अनफेयर कॉम्पिटिशन सा लग सकता है। मुझे लगता है हमें मिस गामसे को ठीक तरीके से वापस भेज देना चाहिए। सभी एजेंसीज प्रोडक्ट्स को एडवांस में ट्राई और एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। उनके पास ये हक होता है। अगर वो चाहे तो उनके बारे में सवाल भी पूछ सकते हैं। और वैसे भी कॉम्पसपोर्ट इन सभी एजेंसीज को हेल्प करने के लिए तैयार है और गामसे मेरी दोस्त है। हाँ वैसे भी मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और मैंने तो वो कहा जो मुझे ठीक लगा। मैंने इसीलिए कहा क्योंकि आपको फ्यूचर में कोई तकलीफ ना हो। आप समझ रहे हैं ना मैंने क्यों कहा ऐसा? नहीं नहीं, डोंट वरी, वो कुछ नहीं कहेंगे। और गामसे की कंपनी में एक अलग पोजीशन है, वो डिसाइड नहीं करती, वो इस टीम में है ही नहीं। हेलो जान, कैसे हो? मिस्टर बाबरी। अच्छा, ये भी यहाँ आने वाला था क्या? मैं तुम्हारा बिजनेस पार्टनर नहीं हूँ? हाँ बिल्कुल हो। तो आज से मैं भी हर काम खुद बेहद करीब से देखना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर आया हूँ मैं। आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, वाइल्ड नेचर शहरी जिंदगी जैसा नहीं है। डोंट वरी मिस्टर जान, मुझे खुद को भी काफी आउटडोर एक्सपीरियंस है। अच्छा? हाँ हाँ, यूनिवर्सिटी के हमारी माउंटेन टीम में था मैं। मैंने आल्प्स पर भी चढ़ाई की है और मैं अक्सर पैरासेलिंग के लिए भी निकल जाया करता हूँ। ओ, ये तो काफी सीरियस है। हमें यहाँ आपकी जरूरत पड़ेगी। कंज्यूमर ग्रुप ए बी, हमें यहाँ आपकी काफी मदद हो जाएगी। मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखा दूंगी, मैं आपको उनके बारे में बता भी दूंगी। Exactly. तो चलिए हम उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको उनके बारे में जानकारी देती हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ सेनम, अब मैं क्या करूं? जीजी को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। वो दोस्त बन जाते हैं वाली बात, उससे वो कंफ्यूज हो गया है। पता नहीं क्या हो गया है उसे, समझ नहीं आता।
हाँ, सारे मर्द हमेशा कंफ्यूजिंग बातें ही करते हैं और जेजी कोई खास नहीं है। एक बात पूछूं, तुम्हारे दोस्त के पास वो कौन सी लड़की खड़ी है? बॉम्बे गामजे, जान की दोस्त। हाँ बॉम्बे, वो यहाँ क्या कर रही है? जान ने उसे बुलाया है, वो उसमें दिलचस्पी रखता है और मैंने ज्यादा पूछताछ नहीं की, आखिर हम तो दोस्त है ना। काफी खूबसूरत है ना? क्या खूबसूरत नहीं, तो तुम उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। और उसे उसमें दिलचस्पी क्यों होने लगी? आखिर तुम जो हो यहाँ पर, जान तुमसे प्यार करता है, तुम्हें ऐसा लगता है? और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो लड़की जान में इंटरेस्टेड है, मेरी इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। कितना अच्छा है ना, चलो पास चल कर देखते हैं, शायद तुम मेरे लिए घर पर भी ऐसे ही करोगी। चलो ये तुम क्या कर रही हो? चलो चल कर देखते हैं। हम लोग चल कर देखते हैं। चलो भी कमो। सुनो तो। ओ, अब समझा कि तुम्हें आउटडोर स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। आउटडोर स्पोर्ट्स में और मेरी दिलचस्पी? हाँ, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम इसमें काफी इंटरेस्ट रखती हो, ये सच है ना? असल में जान से मिलने से पहले मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, और कैंपिंग वगैरह तो मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं थी। ये जान में इंटरेस्टेड है, वो लोग सुन लेंगे। और पता है जान बहुत ही पॉपुलर था, उससे मिलने के लिए मेरे पास कोई वजह होनी जरूरी थी, इसलिए मैंने टाइपिंग के बारे में किताबें पढ़नी शुरू कर दी और उसके साथ मैंने एक रिलेशन बनाने की शुरुआत की। कैंपिंग के बारे में ऐसी बातें की जैसे मैं बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ। काफी स्मार्ट निकले तुम तो। फिर हम दोनों दोस्त बन गए। ये तो झूठी भी है, इसने कितना झूठ बोला है जान के करीब आने के लिए। देखो जरा इसे, इस पे तो नजर रखनी पड़ेगी। तो वो सारी कैंपिंग और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बिल्कुल झूठी थी, सिर्फ जान ही सच्चाई था। अयान मुझे उकसाओ मत, कहीं हम यहाँ कुछ गलत ना कर दे इस जंगल में। इसे खोलो। उसने कहा पुरानी बात है जाने। इसे पकड़ो। मैं इसकी वजह से इसे ठीक से महसूस नहीं कर पाई। बैठ जाओ यहाँ। उन दिनों जान के करीब आने के लिए मैं बहुत पागल थी, क्योंकि उसका दोस्त मुझे पसंद आ गया था। और इसी तरह मुझे कैंपिंग की आदत लग गई, जो छूटी नहीं है अब तक। उसके बाद मैं एक प्रोफेशनल माउंटेनियर बन गई। मुझे ये स्पोर्ट बहुत पसंद है और मेरे पास इसका लाइसेंस भी है। क्या बात है। हाँ वेरी इंटरेस्टिंग, क्या बात है। देखो मैंने जो तुमसे कहा किसी से कहना मत, हम दोनों के बीच की बात है। ठीक है, डोंट वरी, ये सिक्योरिटी रहेगा। गामजे जरा यहाँ आना प्लीज। आ रही हूँ। अरे मेरी दोस्त, तुम किस बारे में बात कर रही थी? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही बात करी थी। मुझे लगता है तुम उसे ज्यादा पसंद नहीं करते है ना? सही कहा। पर वो इतना बुरा भी नहीं है। अरे मुझे ऐसे मत देखो, मुझे अच्छा लगा, काफी चार्मिंग है वैसे वो। ये तुम्हें चार्मिंग लगा? हाँ। ओके, तो मुझे लगता है तुम्हें इटालियन बोलना सीख लेना चाहिए। अच्छा तुम शांत हो जाओ। तुम भी नहीं कह सकती कि वो झूठी है, नहीं कह सकती, इस बात को कैसे साबित करूं? खोलो, इसे कहाँ पर रखूं? अरे ये सही है। ऐसे मत करो, उस तरफ ले जाओ। अरे क्या कर रहे हो, उस तरफ से पकड़ो ना। दूर हो। हाँ। पकड़ो। अरे बस आराम से। हाँ हाँ हाँ, ये खुलेगा कैसे? बॉम्बे को तो देखो, ये कैसा टेंट है। मिस गामजे, मुझे लगता है टेंट बनाना आसान काम नहीं है ना? नहीं बहुत आसान है, बस बन ही गया समझो। इसे यहाँ रख दो। गामजे ये तुम क्या कर रही हो, ये तुम्हारे लिए बहुत इजी है, थोड़ा मुश्किल वाला ढूंढो ना। अरे नहीं, ये तो एक्चुअली सेनम को सिखाने के लिए कर रही थी, वैसे कभी कभी तो एक्सपीरियंस लोगों को भी मुश्किल आती है ना, सही तरीके से टेंट लगाना जरूरी है ना। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, जब मैंने मिस गामजे को टेंट के आसपास घूमते देखा, मुझे लगा वो कैसे करेगी इस परेशानी का सामना, पता चला ये तो बहुत आसान है। क्या तुमने अपना टेंट लगा? मैंने ये काम अयान और जेजी को दिया है, मुझे ये मुश्किल वाले काम के बारे में सीखना है, इसको कैसे लगाते हैं ये सीखना है। हाँ मैं श्योर हूँ कि तुम ये आसानी से सीख जाओगी।
पर जो मैं तुमसे चाहता हूँ वो है अच्छे और नए स्लोगन्स। मैं जरा टेंट चेक करके आती हूँ। जे जे अयहान, ये काम बहुत आसान है, तुम लोग अभी तक नहीं कर पाए। हाँ पर कैसे? मैं तुम्हें सिखा दूंगी। हाँ। उसे यहाँ रखो, मैं जरा जाकर चेक करके आता हूँ। जाओ जाओ, हम कॉफी पीने चले। हाँ ओके, ठीक है, ओके। क्या तुम अंदर हो? तुम इसे अंदर से उठाओ। यहाँ लिखा हुआ है, मैं बताती हूँ। उठाओ इसे, क्या कर रहे हो तुम दोनों? यहाँ ऐसा लिखा हुआ है सलेम, इस्तेमाल के लिए तैयार। तुम ये कीड़ा लग रहा है, जाने दो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं इसे कहाँ पर लगाऊं। मैं इसे किसी तरह ठीक करना होगा। सलेम, आप ये क्या कर रही हैं? ऐसे नहीं बनाते टेंट। मिस सलेम, क्या कर रही हैं आप? बस हो ही गया, थोड़ा सा ही काम बाकी है, हो जाएगा। मैं आपकी अगर थोड़ी मदद कर दूं तो? ठीक है, फिर चले जाएंगे बाद में। हाँ, ऑलमोस्ट पूरा हो ही गया है। तो फिर मैं तुम्हें यहाँ ले चलता हूँ। जे जे, मैं बाहर नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, इस तरह नहीं, मैनुअल में तो लिखा है कि अगर तुम आज बाहर आ पाई तो ही हम इसे पूरा करेंगे। हम बाहर आ गए, बाहर आ गए। आपको पता है ये कैसे करते हैं? हाँ हाँ, मैंने पहले भी टेंट लगाया है। पहले ये वाला, सबसे पहले हाँ, ये स्टिक बहुत इम्पोर्टेंट है। यस मिस्टर फाफरी, बिल्कुल ठीक जगह है। ब्रावो, मैंने अच्छे से टेंट लगा दिया है, आपने भी बहुत मदद की है। थैंक यू सो मच। हाँ, आज बहुत कुछ सीख लिया है मैंने आपकी वजह से। और मुझे लगता है कि ये दोनों काफी करीबी दोस्त हैं। अच्छा, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया? मिस्टर जान काफी सक्सेसफुल और अलग तरह के इंसान है ना? तो जाहिर है औरतें भी उनकी तरफ काफी अट्रैक्ट होती हैं। क्या हुआ, जलन हो रही है आपको? मुझे? हाँ, मुझे जलन क्यों होगी? दोस्तों से कोई जलता है क्या भला? ओ, दोस्ती बड़ी मुश्किल चीज है। क्यों? क्योंकि दोस्ती कई चीजों में बदल सकती है, और ये बात तो सच है, और ये बात सभी दोस्तों के लिए सच है। हाँ चलिए दूसरे टेंट लगाते हैं। ओ नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती, और कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। जान, तुम सर ये देख सकते हो, मुझे मदद चाहिए। क्या हुआ डरन? मुझसे ये नहीं होता, मैं बेवकूफ हूँ। ऐसे कैसे नहीं होगा, पर सबसे पहले तुम्हें अपना मन बदलना होगा। बी पॉजिटिव, ओके? पहले तुम इसे बांधो और इसके बाद तुम्हें इसे हाँ, ब्लू के पास बांधना होगा। हाँ। क्या आप मेरे साथ थोड़ा वक्त बिता सकते हैं? मुझे कैंपिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और गामसा को तो सब कुछ कितनी अच्छी तरीके से आता है, उसे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। अगर हमारे कस्टमर ने मुझे ऐसे देख लिया तो वो अपना सारा कॉन्फिडेंस खो बैठेंगे। मैं आसपास ही हूँ डरन, जब तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे बता दो, मैं आ जाऊंगा। डरन चलो उसे बांध लेते हैं। ओके, मुझे तुम्हारी एक मदद की जरूरत है। हाँ। हमें यहाँ अलग बिहेव करना होगा, हम ऑफिस में नहीं है, हम कैंपिंग करने आए, राइट? यहाँ हम ऐसे प्रोफेशनल होकर नहीं रह सकते, राइट? हम दोस्त भी तो हैं। पर मुझे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है।
हेलो गाइस, मैं हैव योर अटेंशन। हमारा एक नया प्रोडक्ट है, उसे कहते हैं पोर्टेबल जीपीएस। इस प्रोडक्ट से हम सबको वोकल गाइडेंस मिलेगी। मैं आप सबको समझाता हूँ। हमने इस पूरे जंगल के रास्तों में कुछ झंडे लगा दिए हैं। हाँ? आपको इस प्रोडक्ट की हेल्प से वो झंडों को ढूंढ निकालना है। जो भी उन झंडों को इकट्ठा करके सबसे पहले यहाँ लाएगा वो इस गेम का विनर होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। झंडों की जगह रजिस्टर्ड है, आप किसी भी मैप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर सब तैयार है तो गेम शुरू करें हम लोग। कौन कौन ज्वाइन करना चाहेगा, हाथ उठाइए अपना। मैं भी। क्या मुझे एक मिल सकता है? अरे अरे, मुझे तो इससे चक्कर आ रहा है। ये टेक्नोलॉजी मेरे लिए सही नहीं है। ये जीपीएस, आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूँ। ये क्या चीज है सनम? तुम्हें ये जीपीआरएस ट्राई करने की जरूरत नहीं है। तुम कैमरा ट्राई करो और उसके बारे में अपने पॉइंट्स लिखो, वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ क्यों नहीं कहते? तुम क्या कह रही हो सनम? ये नया जीपीआरएस उन लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं समझ गई। मुझे कैंपिंग की आदत नहीं है, पर मैं बेवकूफ भी नहीं हूँ। अगर तुम्हें ये ट्राई करना ही है तो कम से कम अकेली मत जाओ, ठीक है? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मैंने ये घड़ी गलत पहनी है क्या? अभी से शुरू कर दो ना, ये गेम तो मैं ही जीतूंगा। नहीं, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। नहीं नहीं, इससे आपको बैरोमीटर दिखेगा। ठीक है, क्या रिकॉर्ड किया आपने? ये कैसे, कोई प्रॉब्लम है? मैं मदद कर सकती हूँ। एक सेकंड के लिए मुझे लगा मिस आइलिन आई। क्या इसकी कोई अलग टाइप भी होती है? मेरा मतलब ऑडियो नेविगेशन वगैरह। इससे मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होता। क्या सच में? अरे बाप रे, फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये चश्मा, मुझे इनसे चैट हो रही है तो मैं ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लूंगा। ठीक है, ये जगहों की लिस्ट है जहाँ पर आपको जाना है। ये बटन टाइम के लिए और ये वाला डायरेक्शन के लिए। इससे आपको आसानी होगी। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। सनम, ये तुम्हारे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। अपने टारगेट पर फोकस करो और अपने इंस्टिंक्ट्स को सुनो। ओके, ठीक है? आई बात समझ में? ओके ओके। ये उस दिन मुझे किसी और की तरह। सनम, तुम कहाँ जा रही हो? आज तो मैं ही हूँ। रुको हमारे लिए। अरे रुको तो। अरे चलो चलो चलो। ठीक है। जान, तुम भी हमारे साथ गेम में क्यों नहीं जुड़े? नहीं। क्यों? मुझसे हारने के डर से पहले ही हार मान गए? ये बात है क्या? नहीं, गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे अपने बराबरी के मुकाबले के लोग चाहिए होंगे। लगता है तुम मुझे कम समझ रहे हो। मैं कहीं तक भी तुम्हें टक्कर दे सकता हूँ। हाँ, देखते हैं। दोस्तों मेरी बात सुनिए, मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ। शुरू कर दिया। अरे चलो, सॉरी। अरे तुम बॉम्बी, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो बस तुम देखती जाओ। नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलिए। नॉर्थ वेस्ट? नॉर्थ वेस्ट कहाँ है? मुझे नहीं लगता कि ये सही रास्ता है। 100 मीटर के बाद ईस्ट की तरफ। हाँ, शायद रास्ता सही है। तुम अपने आप को बड़ी माउंटेनियर बताती हो ना, चिड़चिड़ चिड़िया। आप टारगेट से दूर जा रहे हैं। झूठी कही की? तुम माउंटेनियर्स क्लब गई हो, तुम डाइविंग क्लब भी गई हो। क्या औरत है, सिर्फ किताबें पढ़ना काफी नहीं होता? जब तुम घर में अपनी फैंसी गुड़िया के साथ खेल रही थी ना, तब मैं बाहर सड़कों पर खेल रही थी। अब तुम्हें पता चलेगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। आप टारगेट से दूर जा रहे हैं, साउथ ईस्ट की तरफ बढ़िए। साउथ ईस्ट की तरफ बढ़िए। साउथ ईस्ट? ये किस तरफ है? राइट की तरफ मुड़िए। राइट की तरफ मुड़िए। राइट में कोई रास्ता नहीं है। राइट की तरफ मुड़िए। नहीं नहीं, राइट में कोई रास्ता नहीं है। आप टारगेट से दूर जा रहे हैं। ये शायद लेफ्ट कहना चाहता है। राइट मुड़िए। हाँ, मैं लेफ्ट में ये क्या था?